सभी को पता है ईगल चैंपियनशिप वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैंपियनशिप है अरुणाचल प्रदेश में, और ये दादा तांग से भी पहले का चैंपियनशिप है, ये 90s में शुरू हुआ था, लेकिन उसको फिर हमारा जो APF नया टीम आने के बाद हमने इसको रिवाइव किया, और अभी हम लोग का एक ईगल चैंपियनशिप खेल रहा है। तो इसी बीच ही बीच दिस लाइक वार्म अप चैंपियनशिप, क्योंकि आप कमिंग डेज में संतोष ट्रॉफी 21 फरवरी को टिकट हो रहा है, तो उसका भी एक प्रिपरेशन जैसा है। तो आई होप कि अभी जितने भी बच्चे आए हैं, खिलाड़ी क्लब्स आए हैं, तो सर्विस से पुलिस टीम आया है, तो उसे काफ़ी एक टीम पार्टिसिपेट कर रहा है, टॉप क्लब जो स्टेट का है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। सर ऐसा होता है कि हर स्पोर्ट्स में, हर खेल को बहुत जरूरी होता है कि इसका बहुत एक ध्यान देना पड़ता है, क्या आप इस फुटबॉल के ये एसोसिएशन में प्लेयर्स लोग आगे जाके अरुणाचल का टीम से फ्लॉरिश होने के लिए, क्या आप लोग का जो एसोसिएशन है उसका ध्यान रख रहे हैं प्लेयर्स के लिए? नहीं, अभी हम लोग इसका बारे में अभी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये न्यूट्रिशन का बारे में अभी हम लोग डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके स्पेशली जो संतोष टीम जो केम उसमें हम लोग खाने पीने से लेकर रहने से लेकर सब कुछ मेंटली फिजिकली हम लोग डॉक्टर का साथ टाइप करके हम लोग कंसल्टेंट करके फिजियो का साथ में हम लोग कर रहे हैं। तो अभी जितने भी संतोष टीम में जो लड़का है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, आप लोग को इतने भी अच्छा लगता है कि इन लोग को कमिंग प्रिपरेशन के लिए देखने भी मिल रहा है। आई होप दिस चैंपियन जो है चैंपियन जो भी चैंपियन बनेगा प्रतियोगिता से कुछ कुछ अच्छा लगा होगा। ये आप सबको पता है फुटबॉल अरुणाचली के रग रग में बसा हुआ है, ये हम लोग स्थित के लिए फुटबॉल के लिए बहुत लोग प्यार करते हैं। स्पेशली हमने जो हमने वीमेंस लीग शुरू किया, वीमेंस चैंपियनशिप शुरू किया है, लेकिन आपको भी पता है पिछले कुछ सालों से ग्राउंड नहीं होने के कारण हम एक्टिविटी नहीं कर पाए, बट एंड ऑफ द डे अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डिप्टी कमिश्नर इंटरनेशनल कोशिश कर रहा है कि फुटबॉल को और आगे बढ़ाए, और अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन ने एक स्लोगन भी शुरू किया नशा चोरों खेल से जोड़ो, ये हम लोग का पहला सोसाइटी में एक सहयोग देने का हम लोग कोशिश करेंगे फुटबॉल के जरिए। ये मैसेज जितने भी यंग जनरेशन में मैसेज में देना चाहूंगा उन बिहाफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से। सर वुमेन्स के लिए कब इनिशिएटिव देखने को मिला जाएगा? वुमेन्स का अभी जैसे कि अपकमिंग दिस इज द एंड ऑफ ईयर एसोसिएशन से आपको मिल जाएगा कब कहाँ चैंपियनशिप कब होगा कैसा होगा। थैंक यू। आपने जैसे बोला कि हमारा जो यूपिया का जो ग्राउंड है वो अभी बहुत बढ़िया वे में बना रहा है, और आप सबको पता होगा कि आने वाले साल में हमारे यहाँ अरुणाचल में फर्स्ट ओवर संतोष ट्रॉफी यहाँ ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल जो फेडरेशन जो एसोसिएशन है वो दिन रात मेहनत कर रहा है, और आप लोग बैकग्राउंड में देख रहा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और ऐसा ही कि अरुणाचल का वन ऑफ द बेस्ट अभी तक है, जहाँ तक एक स्टेडियम का हिसाब से जहाँ आप मिनिमम 20-25,000 ऑडियंस देख सकते हैं। और आज का सवाल जो मैच का सवाल है, आज ये जो 8 ईगल जो फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का फर्स्ट मैच होगा इनॉग्रेशन सेशन में अभी हम आया है, तो अभी इनॉग्रेशन भी हो गया और अभी थोड़ा देर बाद खेल शुरू हो रहा है, और उम्मीद है ये टूर्नामेंट बहुत सक्सेस होगा, और इसके जरिए मैं आपका चैनल का जरिए मैं जितना भी यूथ्स है मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि अरुणाचल में हमारे यहाँ युवा का जो टैलेंट का कोई कमी नहीं, सब बहुत टैलेंट है स्पोर्ट्स में बोलो गेम में बोलो, मगर उसको सही ढंग का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो ऐसे स्टेडियम आने के बाद ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ मिलेगा हमारे यूथ्स आने वाले फ्यूचर में बहुत एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर दिखाई देगा, और जो यूथ्स है जो यंग लड़का लड़की जो अभी जो ड्रग्स में लगा हुआ है नशे में जो डूबा हुआ है या सोशल मीडिया में दिन रात जो लगा, उन सबको मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो ऐसे चीज़ को छोड़े और ऐसे गेम स्पोर्ट्स में फुटबॉल बोलो क्रिकेट बोलो या जो भी जो गेम है वो उसको अपनाना है,
ताकि आप अपना फिजिकली फिट रहेगा तो आप मेंटल फिट हो, तो मेंटल फिट हो कि आप फिट होगा तो आपका सोच विचार आपका जो फ्यूचर बहुत बड़ा है। मेरा यही जितना यूथ है उससे अपील है कि जो ड्रग्स जो ले रहा है, जो अनवांटेड एलिमेंट्स जो हैबिट जो अपना जो अभी पला हुआ है उसको छोड़ना है, गेम स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं और हम अपने आप को फिट रखते हैं। सर एक सिक्योरिटी को लेकर आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि ऐसा जब ग्राउंड ओपन हो जाते हैं तो समटाइम्स इलीगल एक्टिविटी भी यहाँ छुप छुप के करता है पब्लिक जो नशा ये सब देते हैं, तो उसके लिए आप पब्लिक को एक मैसेज देना चाहिए कि किस तरह से स्टेडियम को मेंटेन करना चाहिए जो जबकि इतना बड़ा संतोष ट्रॉफी इवेंट भी यहाँ नहीं होने वाला है। ये देखो, ये सबसे पहले मैं एज ए पुलिस ऑफिसर मेरा यही अपील होगा कि हमारा पुलिस दिन रात हम लोग काम करता है 24/7, मगर इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि पब्लिक का सहयोग, पब्लिक का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस हम लोग कोई भगवान तो नहीं है कि ऊपर से कोई रडार लगा के सकल जैसे हर जो इलीगल एक्टिविटीज़ को हम लोग दिखाई देंगे, ऐसे पब्लिक खुद पुलिस बन रहा है, पब्लिक सिविल ड्रेस में भी पुलिस बन के हम लोग को सूचना देना कहीं अगर ऐसे जो तत्व है जो यहाँ पर इलीगल जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ड्रग्स बोलो या जो भी चीज़ बोलो, तो हम लोग का जो नॉलेज में हम लोग का विषय हम लोग को जो बताएगा हम लोग अकॉर्डिंगली वो चीज़ को हम लोग जरूर एक्शन लेगा। और ये जो स्टेडियम है, ये स्टेडियम हमारा अरुणाचल का लोगों का एक बहुत बड़ा एक ऐसी है, ये स्टेडियम को रिजर्व करना, इसको सुरक्षा रखना, ये पुलिस का सिर्फ नहीं बल्कि सारा आम जनता अरुणाचल का जितना लोगों के लिए वो जितना पुलिस करता है वो लोग भी सेम इक्विवेलेंट साथ देंगे, यही मेरा। थैंक यू सर।